नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप 3D में कलरफुल बटरफ्लाई बनाना सिखाएंगे। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिएगा। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर आप पहले एक 3 नंबर लिख दीजिएगा। इस तरह आपको 3 नंबर लिखना होगा। 3 नंबर लिखने के बाद आगे के साइड से आप यहाँ से डबल करिएगा। डबल करने के बाद दोस्तों, यहाँ से आपको नीचे के साइड में इसको आगे की तरफ बढ़ाना होगा। फिर आप इसको नीचे की तरफ मिला दीजिएगा और यहाँ पर बहुत ही सावधानीपूर्वक आप इसको डबल कर देंगे। डबल करने के बाद ध्यान से देखिएगा, अब आपको ऊपर वाला इसका पंख बनाना है। पंख बनाने के लिए आप यहाँ से ऐसे आगे की तरफ लाइन बढ़ाइएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं या डोनेट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर हमें डोनेट कर सकते हैं। फिर आप इसको थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ाइएगा। यहाँ से हल्का सा आप ऐसे नीचे की तरफ कर देंगे। नीचे की तरफ करने के बाद बीच से आप ऐसे ले जाइएगा एक लाइन और इस लाइन को थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा। इससे बड़ा बनाएंगे हम, यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर नीचे की तरफ करते हुए यहाँ पर लाकर छोड़ दीजिएगा और इधर से आप ऐसे ले जाइए। फिर इस लाइन को यहाँ से करिएगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक यहाँ से बढ़ाते हुए इसको आप ऐसे मिला देंगे। मिलाने के बाद दोस्तों, अब आपको जस्ट यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से को डबल कर दीजिएगा। यहाँ से ऐसे डबल करिए और इधर से भी हम ऐसे डबल कर देंगे। जो हमने डबल किया है इसको ब्लैक कलर से आप इसको कलर करिएगा। यहाँ से आगे की तरफ हो जाएगा। फिर एक छोटी सी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करिएगा, नीचे की तरफ ले जाएंगे। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर दीजिए। एक लाइन इधर, फिर इधर करिएगा और इधर भी आप ऐसे करिए। यहाँ पर इसको थोड़ा सा और मोटा कर दीजिएगा, एक वी लेटर लिख देंगे और इसको डार्क कर देंगे। सेम आप यहाँ पे भी ऐसे डबल कर दीजिए, नीचे के साइड में ले जाइएगा। इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए और इसको आगे की तरफ बढ़ाइएगा। बढ़ाने के बाद आगे के सिरे से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, फिर यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाकर डार्क कर देंगे। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर देंगे। तो ये हमारा बटरफ्लाई तो बनके तैयार हो गया है दोस्तों। अब आपको करना क्या है, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, एक हल्का सा यहाँ पे ऐसे मिला दीजिए और इसको भी आप नीचे के साइड में मिलाइएगा। इधर से ऐसे मिलाइए, सेम आप यहाँ पे भी ऐसे रिपीट कर दीजिएगा। इधर से एक लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ से ऐसे नीचे के साइड में बढ़ाइएगा। इस लाइन को आप यहाँ से ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। इधर भी एक छोटी छोटी लाइनें ड्रॉ कर देंगे हम। सेम आप यहाँ साइड भी रिपीट कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसको कलर कर लेते हैं। कलर करने से पहले हम आपको बता दें आपको करना क्या है, कैसे आपको ये 3D व्यू में दिखेगा। इसके लिए आपको एक स्केल लेना होगा। स्केल लेकर यहाँ से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। पेंसिल की हेल्प से आप स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ से दोस्तों आप ऐसे हल्का सा और नीचे के साइड में ले जाइएगा। यहाँ पे पूरे पेपर को, ऊपर वाला पेपर हिस्सा आपको कट करना होगा। सीजर की हेल्प से कट करना है तो बहुत ही सावधानीपूर्वक कट करिएगा। तो चलिए पहले हम कलर कर लेते हैं, फिर इसको कट भी कर देते हैं। Thank you.
हूँ।